फ्रेंड्स, ड्रीम 11, जी हाँ, इंडिया का बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम। आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसका टीवी पर महेंद्र सिंह धोनी को आपने करते देखा ही होगा। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप ड्रीम 11 में कैसे हिस्सा लेकर रोजाना लाखों रुपए कमा सकते हैं अपनी क्रिकेट नॉलेज से, और ड्रीम 11 गेम आप कहां से इंस्टॉल करें, क्योंकि फ्रेंड्स गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ड्रीम 11 गेम के नाम से है, तो कौन सा लीगल है, कौन सा अनलीगल है, और आप कहां से इसको इंस्टॉल करें, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं, और किस तरीके से आप रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, और कैसे रजिस्टर करेंगे, और ये गेम इंडिया में लीगल है या अनलीगल है, इन सब के बारे में आपको हम आज बताएंगे। और क्या वाकई में कोई चीज़ता है, क्या वाकई में अमाउंट आता है, पैसे आते हैं, और ड्रीम 11 गेम में हिस्सा लेने के लिए हमें कम से कम कितना अमाउंट चाहिए जिससे आप हिस्सा ले सकते हैं, और इसमें कैसे बनाते हैं हम टीम, ड्रीम 11 की टीम हम कैसे बना सकते हैं, इन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी लीगलिटी की। तो फ्रेंड्स, ड्रीम 11 गेम इंडिया में बिल्कुल लीगल गेम है, क्योंकि सरकार को ये 30% से अधिक टैक्स देकर ही आपको प्राइस देते हैं। 10,000 से ऊपर जो भी अमाउंट होता है आपकी प्राइस होती है, विनिंग प्राइस, उस पर आपको 30% से ऊपर आपको टैक्स देना होता है सरकार को। अब दूसरी बात आती है इसमें अकाउंट वेरिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, इस गेम में क्या है कि आपको बैंक अकाउंट की पासबुक की वेरिफिकेशन करानी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें वेरिफिकेशन कराना वैसे तो सेफली है, सुरक्षित है, लेकिन फिर भी आप उस अकाउंट को वेरीफाई कराइए जिसमें कम से कम पैसे रखते हो आप। और फ्रेंड्स, वैसे ये लीगल है। अब बात आती है अगली कि हम इसे कितने कम से कम अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है, आप जब भी इंस्टॉल करते हैं गेम तो इसमें आपको 100 रुपीस मिलते हैं, तो इसमें आपको रेफरेंस कोड चाहिए, तब आपको 100 रुपये मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास रेफरेंस कोड नहीं है, वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से रेफरेंस कोड ले लीजिए, आपको 100 रुपीस मिल जाएंगे, और आप उस 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। वैसे आप इसमें छोटी छोटी वैट्स होती हैं, वो आप देख लीजिए, आप उनको हम आपको बता देंगे, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें अमाउंट विनिंग प्राइस बहुत बड़ी होती है, और जो आपकी एंट्री फीस होती है वो बहुत कम होती है। आपकी हार और जीत डिपेंड करती है आपके क्रिकेट नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये चीटिंग नहीं होती इस गेम के अंदर, और आपको अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं आपकी विनिंग प्राइस के, तो वैसे ये बिल्कुल सेफ है। सबसे पहली बात आती है फ्रेंड्स कि इसको हम लीगलिटी में कहां से डाउनलोड करें, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे ड्रीम 11 के नाम से, तो कौन सा आप इंस्टॉल करें। तो फ्रेंड्स, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है, डाउनलोड लिंक, ड्रीम 11 गेम को आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और अब उसमें रजिस्टर कैसे करते हैं हम उसको आपको बताएंगे, ताकि आपको 100 रुपीज़ भी मिल जाए स्टार्टिंग में। देखिए फ्रेंड्स, इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। इस साइड में, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे लिखा रहेगा इंटर कोड। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहीं से आप अपना रेफरल कोड डाल के 100 रुपीज़ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है रेफरल कोड पे, इंटर रेफरल कोड। उसके बाद इस तरीके का कुछ पेज खुलेगा, देखिए इस तरीके का। यहाँ पे आपको इंटर इनवाइट कोड डालना है, जिसका आपने रेफरेंस कोड डाला है। अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस कोड नहीं है, तो स्क्रीन पर हमारे रेफरेंस कोड है, इसको डालकर आप 100 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेफरल कोड डाल दीजिए, इस जगह पर देख लीजिए। उसके नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपको पासवर्ड जो आपको क्रिएट करना है वो पासवर्ड डालना है, और उसके बाद आपके पास एक OTP मैसेज जाएगा, मोबाइल नंबर जो भी आपका चालू वैलिड मोबाइल नंबर है उस पर आप, मोबाइल नंबर पे आपका कोड जाएगा, उसको आप वेरीफाई कर लीजिए। OTP वेरीफाई होने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे ड्रीम 11 गेम के अंदर, और इस तरीके से आपका कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको एक
मैच पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, उसको उसमें टीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट टीम करनी होती है। देखिए इसमें विकेट कीपर, आप एक विकेट कीपर रख सकते हो, एक 3 से 5 बॉलर रख सकते हो, और आपका क्रेडिट रहता है ये, और ये आपका प्लेयर पॉइंट्स रहते हैं, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोफाइल। ये प्लेयर काउंटिंग रहती है और यहाँ पे आपको क्रेडिट काउंटिंग रहती है, 100 रुपीज़ आपको मिलते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ विकेट कीपर दिए होते हैं, उनमें से एक विकेट कीपर लेना होता है, इनमें से बैटर लेने होते हैं आपको, 3 से 5 बैट्समैन लेने होते हैं। देख लीजिए इनमें से जो भी खेल रहा होता है वो आपको सेलेक्ट करना होता है, इसमें से 1 से 3 तक ऑलराउंडर सेलेक्ट करने होते हैं, जो भी आपको लोगे आप वो भी, और 3 से 5 आप बॉलर रख सकते हो। आप अपनी टीम 11 खिलाड़ियों की बना सकते हो, और आपको इसमें आपके पॉइंट रहेंगे जिस हिसाब से आपका प्लेयर प्रदर्शन करता है, और यहाँ पे आप पॉइंट सिस्टम को आप इसकी सेटिंग में जाके देख सकते हैं किस हिसाब से आपकी पॉइंट सिस्टम रहती है। आपके याद रहे फ्रेंड्स, आपके 11 खिलाड़ी खेलने चाहिए, खेलेंगे तभी आप जीत पाएंगे, अगर आपके कम खिलाड़ी खेलेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस तरीके से आप ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आप जो भी अपने खिलाड़ी चेक कर सकते हैं, जो भी उनकी प्रोफाइल चेक करके जिसका भी मैच है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करके आपकी पॉइंट खिलाड़ी अर्न करते हैं, और जिस हिसाब से आपकी रैंक बनती है, आपकी टीम के हिसाब से आपकी रैंक बनती है, उसमें से आप 11 खिलाड़ियों में से आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने होते हैं। कैप्टन का जो पॉइंट होता है वो डबल होता है, डबल काउंट होता है, और जो वाइस कैप्टन का पॉइंट होता है वो आपके प्लेयर का 1.5 गुना होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका वाइस कैप्टन और कैप्टन चुनिए जिनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहे, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी हार और जीत में कैप्टन और वाइस कैप्टन की अहम भूमिका होती है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको टीम क्रिएट करने के बाद आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना होता है जिसमें ब्रिंग प्राइज और उतने विनर और पार्टिसिपेट और एंट्री फीस, ये एंट्री फीस है, इसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सब रहता है, ये आपको देखकर और आपको एंट्री फीस के हिसाब से और उसकी प्राइस के हिसाब से आपको कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं, इनमें आप कोई भी हेड टू हेड हॉट कॉन्टेस्ट, इनमें जो भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शुरुआत में आपको खेलने के लिए 100 रुपये प्राइज मिलेंगे, वो भी रेफरेंस कोड की वजह से, और उससे आप खेलना स्टार्ट कर सकते हैं, और आप इसके पेटीएम से भी कनेक्ट करके इसमें पैसे रख सकते हैं जिससे आप खेल सकते हैं। अब बात आती है विनिंग प्राइज आपके अकाउंट में आएगी कैसे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, इसमें आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर वेयर आर यू पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको स्टेट डालना है कि कौन से स्टेट में आप रहते हैं। मैं राजस्थान में रहता हूँ इसलिए मैंने राजस्थान डाल दिया है, और इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे गो अहेड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो कि आपको इसमें नीचे होम माय कॉन्टेस्ट मी, इसमें सबसे आप नीचे आपको मी लिखा है उस पर क्लिक करना है। मी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा आएगा ऐड कैश और वेरीफाई नाउ, आपको वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। वेरीफाई नाउ ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिए, और यहाँ पे साइड में देखिए बीच में पैन कार्ड है, इस पर दबाइए पैन पे, और इसमें आपको अपलोड पैन कार्ड इमेज इस पर क्लिक करना है, और आपको पैन कार्ड की इमेज फ़ोटो आपको लेकर इस पर अपलोड कर देनी है। नीचे लिखा हुआ है नेम, नेम में आपको नाम जो कि आपका पैन कार्ड में नाम वो, और नीचे पैन कार्ड नंबर जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो, और 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में है वो, और आपको सबमिट नाउ कर देना है। उसके बाद ये प्रोसेस होगी 7 दिन के अंदर, प्रोसेस होने के बाद आपको बैंक अकाउंट का सेम प्रोसेस करना है, वेरीफाई होने के बाद आपको 7 दिन के अंदर आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, और जहाँ पर आपको पहले वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ रहा था वहाँ कैश विदड्रॉ का ऑप्शन आएगा, विड्रॉ का, और इसके बाद आप जितनी भी विनिंग अमाउंट आप जीतते हो उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको अमाउंट राशि भरनी है जितनी आपको विड्रॉ करना है और सबमिट कर देना है, 6 से 7 दिन के अंदर आपको ये अमाउंट आपको अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ड्रीम इलेवन से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।